लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देने के लिए गोरखपुर से रवि किशन को उतारा है। विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी मजबूत उम्मीदवार के सहारे चुनाव मैदान में उतरी है। भोजपुरी सुपरस्टार और अभिनेता रवि किशन गोरखपुर से पार्टी प्रत्याशी घोषित होने के बाद गुरुवार को पहली बार गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचते ही रवि किशन चुनाव तैयारियों में जुट गए। शुक्रवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर अभिनेता से नेता बने रवि किशन पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर की गद्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। शहर संसदीय सीट से सांसद बना तो योगी की खड़ाऊ रख कर जनता की सेवा करेंगे। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सबके नाम दिए हैं। हर नेता कार्यकर्ता और जनता के दरवाजे पर जाएंगे, होटल का खाना नहीं खाएंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने कहा, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ समस्त गोरखपुर मीडिया को कि आप लोग हम लोगों का बहुत साथ दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप लोग अलग से गुजरा पूरे गोरखपुर दिखाई दे रही है, जो आज में दिखाई दे रही है।
चूल्हा जलेगा, पूछना बेटा पूछना ये नाचने वाला बता रेवल्यूशन वो मेरा प्रोफेशन, मैं गरीब काम तो मैंने एक्टिंग की दुनिया में मैं रामलीला में जिंदा बनता 600 फिल्म किया, पूरा विश्व सम्मान किया। ये नाचने वाला बोलते नहीं, यही बेटा नाचने वाला 50,000 परिवार का चूल्हा जलाने वाली इंडस्ट्री बना दिया। उसका नाम है भोजपुरी, उनको बना अपने 50 परिवार को भी कभी खिलाया, रोजी रोजगार दिया। ये खोपड़ा है हमारा विजन बहुत बड़ा है, इन लोग घूमने तो होता है तो आजम खान वहाँ घूमू वाले बोले ठुका लगाएंगे। इसलिए ये अपोजिशन का काम है कि इन लोग हमारे हमारे नारियों पर महिलाओं पर हनन करने लगे, अश्लील बातें करने लगे। ये इन लोगों की विचारधारा सोचो कितनी गई है, इन लोगों ने अपने ही बिरादरी के लिए कभी कुछ नहीं किया, उसी बिरादरी पे नाश करते हैं क्योंकि बिरादरी वाला एक आदमी बोल दे उनको। ये जो अपोजिशन का बिरादरी है, टिम्पल का वोट बैंक है, वो बिरादरी का कभी घर बनाए नहीं, कोई बोल दे कि हम भैया हमारा जीवन सुधार देना, मेरा तो बाल बच्चा सेट कर दिए हैं ये मायावती जी अखिलेश यादव जी, बोलो नहीं। इनके बंगले देखोगे 50-50 कमरे के, और वो एक गरीब गुरबा आदमी वही सड़ रहा है। मोदी जी कहा कि शौचालय लगा रहे, मोदी जी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया फ्री, गरीब लोग को मेडिकल दे दिए। योगी बाबा यहाँ पूरा पूरा जीवन गोरखपुर का बदल दिए, इतना सुंदर गोरखपुर। किशन जी 2014 के चुनाव आप जो राहुल गांधी और कांग्रेस 2019 में आपको मोदी जी पसंद आ गए। गलती होती है ना, आपसे गलती नहीं करी, हमसे ही गलती। सुनता ला हमसे एक गलती हुई, हमसे एक हुई आपसे। मैं मिच्योर था, शूटिंग करते करते वहाँ चला गया, कमल का फूल का आशीर्वाद, मोदी जी को देखा कि एक मसीहा आया है। 2014 के बाद देखे एक मसीहा आया है, जो मेरे ही गांव में शौचालय नहीं था, हमने अपनी माता को देखा जाते हुए। मेरे गांव में खड़ंजा पैड़ा सड़क नहीं थी कि राकत में चल जा। योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी ने मेरे गांव में 6 महीने पहले 4 किलोमीटर सड़क बनाया मेरे गांव में, बराई बिसुई कैमरा लेके जाइए आप। 6 महीना पहले पूरा गांव बम बम हो गया। तो ये पार्टी का साथ क्यों नहीं दी, जो गरीबों की पार्टी है, जहाँ मेरा प्रधानमंत्री गरीब था। मैं ऐसे पार्टी जहाँ मेरा मुख्यमंत्री सन्यासी है, जहाँ मेरे धर्म की रक्षा है, मेरे देश की रक्षा है, मेरे राष्ट्र की रक्षा है, जहाँ टुकड़े टुकड़े होने के लिए बचाने मेरा प्रधानमंत्री चौकीदार बन गया, मैं क्यों ना जान दू इस पार्टी के लिए, काहे नहीं अपन देश के बचाई। मेरी संस्कृति को तुम लोग खत्म करना चाहते हो, मेरे इतिहास को खत्म करना चाहते हो। बोला अगला सवाल ला, अगला कहा होता है तुमको कौन चाहिए तुम वो बताओ, तुमको क्या तुम्हारा मन किसको, तुम बोला तो मन बताइए। यार स्टूडियो अभी क्या चुनाव है तो मैं कुछ वादे लेकर तिवारी के चुनाव में संजय दत्त वगैरह लोग यहाँ। अरे यार तू कर पूरा घर चाहिए यार, सड़के में घुमा सारे मेरे दोस्त मिल रहे हैं, 600 फिल्म क्या हो गया, सब लोग बड़ा प्यार करते हैं, सभी लोग आएंगे यहाँ पर। यार योगी जी सबसे बड़े सुपरस्टार है, और सुपरस्टार के सुपरस्टार मोदी जी है। अरे बात तो केवल पे चाहता था उनके भी बुला। देखिए कल हम लोगों ने जो 6-7 घंटे का रोड शो किया गर्मी में, वहां से आगाज आज ये हमारे कार्यालय के हमारे संगठन की मांग है, संगठन के सारे हमारे सदस्य चले गए अपने अपने वार्ड से, महाराज जी आएंगे अभी बैठक होगी, उसके बाद हम लोग क्षेत्र वाइज गांव वाइज जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज शहर वाइज हम लोग हर पॉकेट्स में अटैक करेंगे। हर पॉकेट्स में कोशिश रहेगी कि पूरा समूह हम लोग को दे, हर जगह हमारी बात पहुंचे, हर दरवाजे हर बूथ पे हमारी बात पहुंचे। क्यों मोदी जी, क्यों योगी जी, क्यों कमल का फूल, क्या योजनाएं हमने दे दी 5 साल में, क्या क्या दे दिया आपको, और ये लोगों ने 55 साल में कितना आप लोगों का खून चूस लिया, वो सारी बातों को कर मोदी जी का कमल भारतीय जनता पार्टी का समय इतना अच्छा चल रहा है।
देते, समय इतना सत्य का चल रहा है, राष्ट्र प्रेम का चल रहा है, मोदी जी का चल रहा है, कमल के फूल का चल रहा है, तब तो भी लड़वा दो। जो सत्य है वो कभी हारता नहीं, और ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। हर कोई मोदी जी का हम चौकीदार हैं, हम हार कौन अपार हुआ हो, मैं क्या कर रहा, मैं कौन, मैंने क्या किया। वो अपना परिवार छोड़ के चल दिए, सन्यासी योगी जी चल दिए, हम लोग कौन किया, हम लोगों ने क्या किया देश के लिए, इंटरटेन किया इस देश को, अब देश प्रेम, अब वो रिटर्न करने आ रहे हैं। अब मैं अपने समाज की सेवा करूंगा कि हमको सुपरस्टार बना देगा, अब हम लौट आए, अब हम जलवाए। अगला सवाल सोचा झंडा था तो पार्टी कौन थी मालूम, कांग्रेस जिसका वास्तविक हुई है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैं इमोशनली उड़ा रहे, अब देखो तो माहौल, अब देख रहा पूरे बाद सवाल गलत हुआ। आए द्विवेदी जी, अच्छा ऐतिहासिक जीत हुई 23 मई के भटैबा नगर, तू हमके जरूर मिलेगा, अद्भुत जीत हुई और तुम नचबा हमारे साथ, पूरा गोरखपुर कुछ कुछ होता है, गलती सब लोग करते हैं, सब लोग वोट मांगते हैं, संगठन ने की थी, मुख्यमंत्री जी ने सुना तुम हेडलाइन चाह रहे हो, तुम वो अकेले महिलाओं कितना भी पगलाओ के पगलाया नहीं, बाबा इसे शांति रहे। हार ये सीट गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ये, यहाँ हार शब्द ही नहीं है गोरखपुर में, और सब लोग जान झोंक देगा इस बार, ये राष्ट्र प्रेम का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। अब ये आला कमान सोचेंगे यार, दिल्ली से जो नाम के आदेश आए बा, संगठन जो सोच के बा, ये बड़े बड़े लोगों ने मंथन किया होगा, हम लोग की हम लोग भी क्या औकात है बताए भाई। हर महादेव, गोरक्षनाथ महाराज की।